ये अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर ये अलग अलग टैब है, जिस पर जाएंगे वो टैब खुल जाएगा। उसके बाद अगर अपन ये छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो वो उसको खोल देगा बराबर, जो भी है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका खुल जाएगा बराबर। उसके अलावा ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्केल आ जाएगी, और स्केल नहीं मांगता है तो इस पर वापस क्लिक कर दो बराबर। और ये है अपना कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बारे में मैंने एक्सेल ने बताया हूँ, उसी तरीके से बिल्कुल ये सेम है ये बराबर। उसके अलावा देखो इसमें अभी तक अपना एक ही पेज है, दूसरा पेज रहेगा तो वो भी दिखाएंगा, ये वर्ड्स कितने वो भी दिखाएंगा। टाइप करूँगा देखो, एक वर्ड हुआ, दो वर्ड हुआ, स्पेस दो, तीन वर्ड हुआ, तो इस तरह से ये वर्ड दिखाएगा। लैंग्वेज अपनी कौन सी है, इंग्लिश है बराबर। इसके अलावा यहाँ से अपन जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं इसको, और ये स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे बराबर। वर्ड के अंदर पांच व्यू रहते हैं, 1 2 3 4 5 बराबर, लेकिन जब अपन खोलते हैं इसको तो सबसे पहले ये प्रिंट लेआउट में रहता है। ये देखो प्रिंट लेआउट में, इसके अंदर क्या होता है, हर पेज अपने को अलग अलग दिखता है, और प्रिंट होने के बाद जैसा अपने को मिलने वाला है ये वैसे दिखाता है। अगर अपन यहाँ पे आके डबल क्लिक मारेंगे ना तो ये जो पेज का गैप है ना वो हट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बराबर। और अगर फिर अपने को पहले सा करना है तो वहीं पे आओ, डबल क्लिक मारो, फिर ये अलग हो जाएगा। और अपना नेक्स्ट व्यू है रीडिंग व्यू बराबर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा रीडिंग व्यू के अंदर। यहाँ सब इसके टूल्स दिए हुए हैं, इस तरह सेव कर सकते हैं अपन। और यहाँ पे देखो ये इसकी स्क्रीन दी हुई है, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे से आके इसको करो, या यहाँ पे से इसको आगे बढ़ाओ बराबर। इसके अलावा इसके अंदर आओ, अगर अपने को ये पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है तो इंक्रीज टेक्स्ट साइज़ कर दो बराबर, टेक्स्ट की साइज़ बड़ी हो गई। या फिर इसके अलावा इसको शो वन पेज भी कर सकते हैं अपन, इस तरह दिखाई देगा ये बराबर। वापस अपने को प्रिंट वाले प्रीव्यू में जाने गए तो यहाँ पे किधर था वो, ये आ गया नॉर्मल व्यू के अंदर। स्केप मार दो इसको इस तरह से। इसके बाद अपना नेक्स्ट है वेब ब्राउजिंग, यानी वेब लेआउट। इसके अंदर कोई पेजेस नहीं आएंगे, सिंगल पेज में स्क्रॉल करते जाओ, यानी कि जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या HTML में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा अपने को बराबर। इसको आप छोटा करेंगे तो इसकी पेज कट नहीं होएगा ये, और लॉन्ग होता जाएगा डॉक्यूमेंट बराबर। इसके बाद है अपना आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू में अपन जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जब इस पे आएंगे अपन, इस पे ये देखो तो चार एरो बनते बराबर। अब वर्ड के अंदर एक और चीज़ होती है, आखिरी लेआउट या वाला आउटलाइन लेआउट। इसके अंदर अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को कोलैप्स या फिर उसको शॉर्ट कर सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल ये है, इसके आगे की ये प्लस साइन दिख रही है, इस पर क्लिक करो तो देखो ये कोलैप्स हो गया बराबर। डबल क्लिक मारूंगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करो डबल, इस पर डबल क्लिक करो, इस पर करो, इस पर करो बराबर, इस पर करो, तो इस तरह से सब कोलैप्स हो गया बराबर। इसको वापिस वो करना है, डबल क्लिक मारते जाओ, सबसे आखिर में है अपना ड्राफ्टिंग लेआउट,
इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा लेआउट है ये। इसमें पेज ब्रेक्स दिखाएंगे, असल में ये पेज ब्रेक्स नहीं होते, सेक्शन ब्रेक होते हैं। वो अपने हिसाब से सेक्शन में पूरे डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देता है, बराबर। ये देखो रोटेड लाइन दिख रही है ना, उस तरह से सेक्शन ब्रेक करता है। और इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बराबर। इसके अलावा ये जो सारे व्यू अपन देने देखे हैं, तो अपन डायरेक्ट भी ये व्यू यहाँ पे व्यू टैब में आके देख सकते हैं, बराबर। ये देखो प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, वेब, बराबर, आउटलाइन लेआउट, ड्राफ्ट लेआउट, बराबर। तो ये सारे लेआउट अपन यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। इसके अलावा अपन के पास ये रूलर है, इसको चेकआउट करेंगे तो इस तरह से रूलर यहाँ से भी ओपन हो सकती है, या फिर यहाँ से भी इसको अपन ऑपरेट कर सकते हैं, बराबर। उसके अलावा ग्रिड लाइंस भी दे सकते हैं अपन यहाँ से, इस तरीके से। नहीं मांगता है तो आप इसके लिए कर दो, भाग जाएगी, बराबर। उसके बाद जूम आउट और जूम इन अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 10-10% के हिसाब से वो होते रहेगा। उसके अलावा इस पर अगर अपन, सॉरी, इस पर क्लिक मारेंगे तो यहाँ से भी अपन कस्टमाइज जितना परसेंट अपने को देने का है जूम अपन कर सकते हैं। इसके अंदर अपन नेविगेशन देखेंगे कि किस तरह से वर्ड की फाइल को अपन ब्राउज करते हैं ऊपर नीचे। अगर मुझे ऊपर जाना है तो कर्सर को मैं ऊपर घुमाऊंगा, नीचे आना है तो फिर नीचे घुमाऊंगा, एक तरीका तो यह है। या फिर दूसरा ये है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है यहाँ से मैं करूँ को दबा के रखूँगा तो इस, या फिर नीचे वाले को दबा के रखूँ, दबाऊँ मतलब, बराबर। दूसरा तरीका ये है, इससे भी अपन कर सकते हैं, इसको एलिवेटर बटन बोलते हैं, या फिर यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो भी वो स्क्रॉल होएगा, बराबर। और ये पेज नंबर 10 पे अपन, बराबर, ये दिख रहा है डबल एरो, प्रीवियस पेज पे लेके जाएगा अपना, बराबर। ये देखो, और ये बटन उसके आगे वाले पेज पे। इसके अलावा जो बीच पे बटन दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे ना अपन तो ये अलग अलग तरीके देगा ब्राउज करने के, बराबर। एक तो गो टू मेन्यू में जाने का, फाइंड, कोई भी वर्ड यूज से भी अपन फाइंड कर सकते हैं, ब्राउज बाय एडिट, जहाँ पे अपन एडिट किया रहेंगे वहाँ से, ब्राउज बाय हेडिंग्स, ब्राउज बाय फोटोज़ ग्राफिक यानी टेबल, एंड नोट, जो भी है। फिर वही फॉर एग्जाम्पल अपन ग्राफिक लेते हैं, अभी मैंने ग्राफिक पे क्लिक किया, बराबर, तो जहाँ जहाँ फ़ोटो रहेगी वहीं पे आएगा वो, खुलेगा वो। ऐसे मैं ब्राउज करूँगा तो ब्राउज होएगा वो, लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, देखो क्या बोलता है, प्रीवियस ग्राफिक, नीचे जाऊँ, ये वाली ग्राफिक, बराबर, सिर्फ ग्राफिक दिखाएगा ये। इसके अलावा जब अगर मैं इसको जूम करता हूँ डॉक्यूमेंट को, मैं इसको इतना जूम कर दिया तो फिर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार भी आता है, बराबर, पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँ मैं, यहाँ पर जाके टेक्स्ट विथ मालूम है, इस पर क्लिक कर दो, ओके, बराबर। अभी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार तो आ गया, स्क्रॉलिंग बार, लेकिन इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट अपने आप ही फिट रहेंगे। ये देखो दिख रहा है, इसके अलावा अपन अपने कीबोर्ड से भी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। डाउन एरो जब करेंगे अपन तो एक लाइन नीचे जाएगा, अप एरो करेंगे तो एक लाइन ऊपर जाएगा, और राइट एरो करेंगे तो एक अल्फ़ाबेट, लेफ़्ट एरो करेंगे तो भी एक अल्फ़ाबेट लेफ़्ट में जाएगा। इसके अलावा अगर अपन पेज अप करेंगे तो एक स्क्रीन ऊपर जाता है वो, और पेज डाउन करेंगे तो एक स्क्रीन नीचे आएगा, बराबर। अभी वो बराबर क्यों नहीं हो रहा है मालूम, क्योंकि अपना यहाँ पे नेविगेशन डिफ़ॉल्ट पे सेट नहीं है। देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है,
ये ब्लू है मतलब ये उस पर सेट नहीं है, तो इसको डिफॉल्ट करने के लिए यहाँ पे आओ, ब्राउज बाय पेज पे कर दो बराबर। अब अगर मैं कंट्रोल दबा के पेज अप करूँगा ना तो अगले पेज पे जाएगा ये खाली। ये देखो एक एक पेज पलटी होगा, कंट्रोल दबा के पेज डाउन करूँगा तो एक एक पेज नीचे होएगा बराबर। वो एक स्क्रीन नीचे हो रहा था, अभी एक पेज नीचे हो रहा है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं एकदम टॉप पे जाने का है तो कंट्रोल दबा के होम दबा दो तो एकदम टॉप पे आ जाएगा, और कंट्रोल दबा के एंड दबाएंगे तो एकदम बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट पे वो आ जाए। अब एक आखिरी शॉर्टकट इसमें बाकी बचा है, जैसे समवन लिखा हुआ है रॉन्ग लिखा हुआ है बराबर, इसके अंदर क्या है बीच में ई आएगा, अभी सही हो गया है बराबर। इसके बाद मैं इसको अपन एकदम नीचे आ गए। अब मुझे वापस वही जगह पे जाने का है जहाँ पे मैंने लास्ट एडिट किया था, तो शिफ्ट और F5 दबा दो बराबर, डायरेक्ट उसी जगह पर ये आ गया। इसके अंदर सिलेक्शन देखेंगे अपन, सेलेक्ट करने के लिए कहीं भी अपन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा बराबर, इस तरीके से। या फिर इसके अलावा मेरे को सिर्फ इतना एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक मारूंगा तो एक वर्ड खाली के लिए सेलेक्ट होगा बराबर। अगर मैं ट्रिपल क्लिक मारूंगा ना, एक दो तीन, एक दो तीन, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। और अगर मुझे एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबा के क्लिक दबाऊंगा तो एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा। कहीं पे भी मैं अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो एक पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होगा। इसके अलावा मुझे सिर्फ इतना एजेंसी और ये अलग अलग यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल दबा के मैं इसको सेलेक्ट करूँगा बराबर, फिर कंट्रोल दबा के इसको भी। तो इस तरह से आप उन्हें अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करना है बराबर, तो मैं इधर क्लिक करा एक बार, शिफ्ट दबाया, फिर मैं स्क्रॉल करके नीचे आया यहाँ से और यहाँ पे क्लिक किया बराबर। ये देखो क्लिक शिफ्ट क्लिक, तो इतना पूरा क्लिक हो गया बराबर। वापस से दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे क्लिक किया तो उनके इन बिटवीन का पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जब आप इसके साइड में आते हैं देखो तो ये एरो बनती है ना, एरो, इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग मार्जिन। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और क्लिक करके नीचे आऊँगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर, और ड्रैग करूँगा तो लाइन से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ट्रिपल क्लिक मारेंगे तो पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट हो जाएगा बराबर। इसके अलावा कंट्रोल ए से भी आप पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, शिफ्ट दबा के अपन राइट की दबाएंगे तो ये सेलेक्ट होगा, और अगर डाउन की दबाएंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होती जाएगी बराबर। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल दबा के राइट की दबाऊंगा तो एक एक वर्ड वो आगे बढ़ते जाएगा बराबर। और यही चीज़ अगर मैं सेलेक्ट करने के टाइम पे करूं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल शिफ्ट दबाऊँ फिर राइट की दबाओ तो एक एक सेंटेंस सेलेक्ट हो, एक एक वर्ड सेलेक्ट होते जाएगा इस तरह। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये लाइन के अंदर है बराबर, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट की दबाऊँगा, अगर मैं ये लाइन के अंदर हूँ तो अगर मैं शिफ्ट होम दबाऊँगा तो लाइन का पहला वर्ड सेलेक्ट करेगा, और शिफ्ट एंड दबाऊँगा तो लास्ट का वर्ड सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा मुझे यहाँ से लेके पूरा नीचे तक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा दूंगा मैं तो उधर बीच से लेके पूरा नीचे तक का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा बराबर। और अगर मुझे यहाँ से ऊपर तक का सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग के ऊपर तक का, तो कंट्रोल शिफ्ट होम दबा दूंगा मैं बराबर, तो ये ऊपर तक का सेलेक्ट हो जाएगा लेकिन उसके नीचे का सेलेक्ट नहीं होएगा।
ये देख रहे हो, नीचे का सेलेक्ट नहीं हुआ है, खाली उसके ऊपर का सेलेक्ट होएगा। इसके अलावा जब मैं इसको मूव करूँगा तो एक सेंटेंस मूव होता है बराबर, लेकिन डायरेक्ट अगर मुझको सेलेक्ट करना है तो मैं F8 दबा दूंगा अगर, तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होते जाएगा बराबर। अगर इससे हटना है तो एस्केप दबा दूंगा तो ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा बराबर। इसके अलावा अगर मैं दो बार दबाऊंगा F8, एक बार दो बार, तो एक सेंटेंस सेलेक्ट करेगा। 3 बार दबाऊंगा तो एक सेंटेंस पूरा, 4 बार दबाऊंगा तो पैराग्राफ, और 5वीं बार दबाऊंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेगा ये, और एस्केप मारूंगा तो नॉर्मल मोड के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा एक और सेलेक्शन मेथड है होम टैब के अंदर, जब अपन यहाँ कोने में जाएंगे सेलेक्ट में, तो ये तीन चार चीज़ें दिखाई जाएगी बराबर। सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सेम फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये फॉर्मेट के जितने भी है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड। इसके अलावा मैं यहाँ पे गया, ये पेन देख रहे सेलेक्शन पेन, ये ऑफ है, क्यों ऑफ है? अगर इसको ऑन करने के अपने को, तो फाइल में आओ, कन्वर्ट में जाओ, ओके कर दो। ये ओपन हो गया बराबर। अब यहाँ पे जाओ, सेलेक्शन पेन में जाओ, पिक्चर वन पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आओ, देखो यहाँ से क्लिक किया अपन और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गई। इसको अपन हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से बराबर, इस तरीके से। इसके अंदर अपन नेविगेशन पेन देखेंगे, उसके लिए व्यू के अंदर जाओ, नेविगेशन पेन पे क्लिक कर दो, तो ये अपना नेविगेशन पेन खुल जाएगा, या फिर कंट्रोल एप दबाओ। इसके अंदर सबसे पहले है ब्रोज बाय हेडिंग बराबर, ये हेडिंग से, और ये अगर रेक्टेंगल टेढ़ा है तो इसका मतलब ये ओपन है बराबर। इसको कोलेप्स करने का है तो इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक बराबर। वापस एक्सपांड करना है तो वापस इस एरो पे क्लिक करो बराबर। अब मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा देखो वाला हिस्सा ओपन हो जाएगा बराबर। इसके अलावा मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, ये देखो मूव करके मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं पेज के ऊपर जाऊँ, डायरेक्ट यहाँ से जाऊँ, जिस पेज पे क्लिक करूँगा वो पेज ओपन हो जाएगा बराबर। और एक आखिरी तरीका ये है कि ब्रोज बाय रिजल्ट बराबर, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके सर्च मारो, मार्केटिंग डालता हूँ मैं बराबर, तो मार्केटिंग का ये आ गया। कितने मैचेस आए? 13 मैचेस, एक यहाँ पे और एक पेज नंबर 2 पे, देखो पेज नंबर भी दिखाता है, ये रहा मार्केटिंग, दूसरा पेज नंबर 3 पे यहाँ पे, और ये पेज नंबर 10 पे, ये सब जगह पे बराबर। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ग्राफिक्स यानी इमेजेस भी फाइंड कर सकता हूँ मैं बराबर, इस तरीके से 4 of 5 matches मार्केटिंग की ग्राफिक ये खुल जाएगी। इसके अलावा टेबल्स जो भी है, गो टू मेनू में भी मैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकता हूँ बराबर, पेज नंबर पे, या फिर फाइंड में जाके, या फिर रिप्लेस के अंदर जाके बराबर, मैं कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग को सर्च मार के टारगेट कर दो और रिप्लेस कर दो ऑल, सॉरी इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं फाइंड में ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके एडवांस फाइंड में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मोर में अगर जाऊँगा तो
तो मैच कैस यानी पूरा वर्ड मैच होना चाहिए, वही लफ्ज़ ढूंढेगा ये बराबर। और इसके अलावा फॉर्मेटिंग के ज़रिए भी ढूंढ सकता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉन्ट के अंदर मैं जाता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं कि बोल्ड जित जो भी है उसको सर्च मार बराबर, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। ओके, ऐसा कोई वर्ड था नहीं इसलिए उसने फाइंड नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। मार्केटिंग नाम का कोई भी वर्ड बोल्ड नहीं था। इसमें अपन सेव करने के बारे में देखेंगे। 2010 के अंदर अपन कोई डॉक्यूमेंट बना के अगर उसको पुराने वर्जन में सेव करेंगे तो कुछ चीज़ें इसकी जो है काम नहीं करेगी बराबर, तो कौन सी चीज़ें पे असर पड़ने वाला है वो अपन फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे चेक फॉर इश्यूज़ में क्लिक करो, चेक कंपैटिबिलिटी में जाओ, तो ये सारे एरर बता रहा है वो कि ये सारे एरर अगले जो है वर्जन में जो अपन कम करने वाले हैं उसमें होंगे बराबर। तो अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, 2007 में सेव करेंगे, तो सेव एज में जाओ, ड्रॉप डाउन मेनू में 1997 से 2003 में सेव करते हैं, सेव, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल बोल रहा है, तो अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करो, वरना क्या बोल दो, सेव चेंजेस विद डिफरेंट नेम बराबर। और इस तरह से अपना ये सेव हो गया। अब इसको क्लोज करो, जो नई फाइल अपन सेव की है उस पर आ जाओ, देखो ये वाली है वो, इसको ओपन करो। ओपन करते ही देखो ये चीज़ बोलेगा, ये इसको नो कर दो बराबर। अब जब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर तो देखो क्या बोल रही है, कंपैटिबिलिटी मोड के अंदर ही है। इसके अंदर क्या होगा मालूम है क्या, 2010 के कुछ फंक्शन अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते अब। देखो जैसे कि ये सिलेक्शन पेन है, तो उसको अगर वापस लाने का है तो अपन फाइल मेन्यू में जाओ, कन्वर्ट पे क्लिक कर दो। ओके, तो इस तरह से वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगा और आप उन सारे फंक्शन इसके यूज़ कर सकते हैं।